हेलो एवरी वन एंड एवरी वो वेलकम टू शिक्षा गाइज गाइज वेलकम बैक सो दिस इज लेक्चर नंबर फाइव फॉर इंश्योरेंस एंड गाइज बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर सम बूस्ट अप वर्ड्स जस्ट गिव योर बेस्ट यही कुछ वर्ड्स हैं जिनके ऊपर आपने फोकस रखना है यू डोंट हैव टू ट्राई कि बस सब कुछ आपको मिल जाए दैट शुड नाट बी द एम द एम शुड बी कि मुझे अपना बेस्ट देना है आप एक बार जब पेपर से निकलो ना उसके बाद पेपर क्लियर हो ना हो आपके मन में ये गिला शिकवा नहीं होना चाहिए कि मैंने तैयारी अच्छे से नहीं की थी ओके सो इंश्योरेंस का लेक्चर नंबर देखेंगे और इसके अंदर हम कुछ लाइफ इंश्योरेंस uh, uh, से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे आई शो यू टॉपिक्स एज वेल बिफोर गोइंग दैट YouTube की जो भी पीडीएफ uh, होगी क्लासेस uh, की वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है यू कैन गेट द पीडीएफ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लिंक एंड एमसीक्यू कॉम्बो कोर्स है दोस्तों ये मैं आप सबको चाहूंगा कि आप ये कोर्स लो आई आर एल लेबर लॉ सोशल सिक्योरिटी और गैप के एमसीक्यूज इसके अंदर रहेंगे और ये आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ओके okay? सो so, इसके ऊपर अभी फिफ्टी परसेंट ऑफ भी चल रहा है इफ यू यूज द कोड यूपीएससी पी एफ ओके और अगर आप ये कोर्स लेते हो तो आपको पीडीएफ के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है वो इसके अंदर इंक्लूडेड होगा सो कम बैक टू लाइफ इंश्योरेंस गाइस तो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आज हमने दो चीजें देखनी है प्रोडक्ट डिजाइन और सप्लीमेंट्री बेनिफिट्स तो लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली आप सब समझते हो वेयर द बेसिक एजेंडा इज इंश्योरिंग द लाइफ ओके या एश्योरेंस बेसिकली दे रहे हैं हम एक तरीके से ओके okay? तो इफ द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर तो उस केस में कवरेज एक जो लोग पीछे रह गए उनके लिए एक तरह का कवरेज यहां पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो बेसिक तो प्रोडक्ट डिजाइन लाइफ इंश्योरेंस का यही है इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है वो हम देखेंगे और फिर क्या क्या सप्लीमेंट्री बेनिफिट्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज देती हैं इन पॉलिसीज के साथ उनको हम देखेंगे उनको समझेंगे क्योंकि वो डायरेक्ट टर्म्स हैं जिनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो देखो सबसे पहले तो प्रोडक्ट डिजाइन की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो होती हैं काफी सारी कॉन्टिजेंसी इट इज नॉट ओनली अबाउट कवरिंग डेथ और भी कॉन्टिंजेंसीज जैसे कि एक्सीडेंट डिसेबिलिटी एंड लिविंग टू लॉन्ग यानी कि If you are, you know, age जो है आपका, वो काफी सो वहां पर भी आपको कहीं ना कहीं कवरेज है, है वो प्रोवाइड करता है पैटर्न ऑफ प्रीमियम पेमेंट अब पैटर्न ऑफ प्रीमियम पेमेंट में क्या हो गया कि आप कैसे प्रीमियम पे कर रहे हो कुछ पॉलिसीज होती है जिसके अंदर आपको एक बार सिंगल टाइम में पेमेंट करना है लमसम अमाउंट एक बार में पे करना है उसके बाद आपको पूरा उस पॉलिसी के टर्म तक कोई पैसा नहीं पे करना एक हो गया एनुअल हर साल आप साल में एक बार प्रीमियम पे कर रहे हो हाफ ईयरली छ महीने में एक बार क्वार्टरली चार महीने में एक बार मंथली ठीक है उसमें आप महीना महीना हर बार पे कर रहे हो कुछ होते हैं लिमिटेड टर्म्स प्रीमियम होते हैं कि दस साल तक प्रीमियम भरना है या पंद्रह साल तक प्रीमियम भरना है कुछ लाइफ लॉन्ग प्रीमियम वाले होते हैं ओके कि जब तक पॉलिसी रहेगी तब तक प्रीमियम भरना है अब बेनिफिट्स होते हैं अलग अलग कई पॉलिसीज जो होती हैं वो पार्टिसिपेटिंग इन प्रॉफिट्स होती हैं इसको अभी हम समझेंगे अभी क्या होता है ओके okay, कुछ होती है नॉन पार्टिसिपेटिंग होती है कहीं आपको टैक्स बेनिफिट्स देती है, कहीं आपको देती आपको डेथ और सर्वाइवल बेनिफिट्स एक्सीडेंट बेनिफिट्स देती है तो अलग अलग बेनिफिट है ना तो यही हमने कवर करना है सप्लीमेंट्री बेनिफिट्स या एम्बेडेड ऑप्शन में जो एक पर्टिकुलर पॉलिसी के साथ आता है तो इसमें हमने कौन से कौन से बेनिफिट्स को समझना है सबसे पहले हम देखेंगे पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग बेनिफिट क्या होता है लोन कन्वर्जन ऑप्शन लॉयल्टी एडिशन और रिटर्न ऑफ प्रीमियम तो ये सारे कुछ ब्रॉड टॉपिक्स हैं सप्लीमेंट्री बेनिफिट्स हैं जो हमको यहाँ पर समझने हैं तो सबसे पहले शुरू करेंगे पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग के साथ तो पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी क्या होती है देखो टेक्स्ट के ऊपर ध्यान तब देना जब मैं बोलूँ की हाँ जी टेक्स्ट के ऊपर आ जाओ पार्टिसिपेटिंग वो होती हैं कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होंगी वो क्या बोलेंगी कि हाँ जी हम ना आपके साथ साल दर साल जो हमारा प्रॉफिट होगा ठीक है उसके बेसिस पे हम आपको कुछ डिविडेंड या बोनस दिया करेंगे ठीक है तो बेसिकली कंपनी क्या कह रही है जितना ज्यादा हम फायदे में जाएंगे उतना हम आपको जो है वो फायदा हम आपके साथ भी शेयर करेंगे वो बेनिफिट हम आपके साथ भी शेयर करेंगे तो ये जो बेनिफिट शेयरिंग वाली पॉलिसीज है इनको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी क्योंकि यहां पर जो इंश्योर्ड पर्सन है ना टेक्स्ट के ऊपर देखो आप पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज क्योंकि यहां पर जो इंश्योर्ड पर्सन है ना उसको बेनिफिट मिलेगा अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है वहीं उसको थोड़ा सा लॉस भी बियर करना पड़ सकता है अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही अनफेवरेबल परफॉर्म कर रही है ओके सो बेसिकली ये वो पॉलिसीज होती हैं जो आपको डिविडेंड और बोनस देती है ठीक है डिविडेंड और बोनस देने वाली पॉलिसीज़ दूसरी जगह कई पॉलिसीज ऐसी होती हैं वो आपको आ, कोई डिविडेंड कोई बोनस नहीं देंगी वो कहती हैं कि भाई तूने आज हमारे पास पैसा इन्वेस्ट किया है तूने हमारी पॉलिसी खरीदी है इत, जो तुझको हम आज गारंटी दे देंगे ना बेनिफिट्स की वो तुझे मिलेंगे ही मिलेंगे चाहे हमारा नुकसान हो चाहे हमारा फायदा हो जो हमने तुझे बेनिफिट्स गारंटी की हैं वो तुझे वैसे के वैसे मिलेंगे उसको हम बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी क्योंकि वो पॉलिसी किसी भी तरीके से आपसे डिविडेंड या बोनसेज नहीं शेयर कर रही वहीं अगर कंपनी लॉस में है तो वो आपका कोई लॉस भी शेयर नहीं करेगी अपना आपके साथ आपको जो बेनिफिट्स उसने गारंटी की हैं पॉलिसी में वो पॉलिसी बेनिफिट्स आपको मिलने ही मिलने हैं ये कौन सी हो गई आपकी पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी नेक्स्ट आ जाता है लोन अब कई पॉलिसीज के अंदर ना प्रोविजन होता है जिसमें जो पॉलिसी देने वाली कंपनी है वो या पॉलिसी में स्पेशली में भी हो सकता है कि बैंक के थ्रू भी तो बेसिकली आप उस पॉलिसी को यूज करके ना लोन ले सकते हो ठीक है लोन ले सकते हो तो फॉर एग्जांपल आपने अपनी एल की पॉलिसी निकलवा रखी है लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी निकलवा रखी है ठीक है तो उसमें आपको किस कभी लगा यार मेरे को आज पैसे की जरूरत है आपको लिक्विडिटी की जरूरत है तो आप उस पॉलिसी को एक तरीके से मॉटगेज रख करके लोन भी ले सकते हो ओके पॉलिसी लोन जो होता है यूजुअली वो सरेंडर वैल्यू पे दिया जाता है जितनी आपकी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू है उसके हिसाब से आपको लोन मिलता है यूजुअली 90 परसेंट जितनी आपकी सरेंडर वैल्यू आएगी ना उसका 90 परसेंट अगर आपकी पॉलिसी की फॉर एग्जांपल सौ सरेंडर वैल्यू है तो सौ का नाइन्टी अराउंड नब्बे का लोन आपको मिलेगा ओके okay, इसके ऊपर जैसे आप बाकी कोई और लोन लेते हो बैंक से आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा जो भी रेट होगा जब आपने लोन लिया और आपको ये लोन वापस भी करना होगा बेसिकली आप इसमें सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिसी को एक तरीके से मॉटगेज रख रहे हो अब ये सरेंडर वैल्यू क्या होता है ये हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर समझेंगे देखो सरेंडर वैल्यू क्या होता है बेसिकली ये वो पैसा होता है जो एक पॉलिसी होल्डर को या एनविटी होल्डर को मिलता है अगर वो अपनी पॉलिसी को टर्मिनेट कर देता है ठीक है अगर आप अपनी पॉलिसी को मेच्योरिटी डेट से पहले टर्मिनेट कर देते हो तो जो आपको पैसा मिलता है उसको हम बोलते हैं सरेंडर वैल्यू ओके एक तो होती है फेस वैल्यू जो आपको बेसिकली अगर पॉलिसी मेच्योर हो गई तब मिलेगा एक अगर आप पहले ही टर्मिनेट कर देते हो ठीक है तो उसमें आपको जो पैसा मिलता है वो होता है सरेंडर वैल्यू सरेंडर वैल्यू को कैश सरेंडर वैल्यू या कैश वैल्यू भी बोलते हैं ठीक है इसका फीचर ये सरेंडर वैल्यू बेसिकली या कैश वैल्यू होता क्या है देखो जो ज्यादातर परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है ना स्पेसिफिकली जैसे होल लाइफ पॉलिसी जिसको हम बोलते हैं इसके अंदर ना एक सेविंग कॉम्पोनेंट होता है जिसको कैश वैल्यू बोला जाता है इसमें क्या होता है ना पॉलिसी होल्डर के अकाउंट में ओवर द टाइम कुछ कैश एक्यूमलेट होता रहता है ओके कुछ कैश एक्यूमलेट होता रहता है और इसी कैश को सरेंडर वैल्यू की फॉर्म में यूज किया जाता है जब आप अपनी पॉलिसी को टर्मिनेट कर रहे हो ठीक है अगर आपको लोन लेना है तो इसको एज अ लोन वैल्यू भी यूज कर सकते हो ठीक है ऑटोमेटिक प्रीमियम पेमेंट के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो लोन तो अभी हमने पीछे देख लिया कि आपको लोन मिल गया सरेंडर वैल्यू के ऊपर ऑटोमेटिक प्रीमियम पेमेंट क्या होता है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर देखेंगे नेक्स्ट आ जाता है जी एक्सटेंडेड टर्म इंश्योरेंस एक्सटेंडेड टर्म इंश्योरेंस का कंसेप्ट भी सरेंडर वैल्यू के ऊपर बिल्डअप है अब जैसे मैंने आपको बोला कि यार आपके ना कैश वैल्यू ओवर द टाइम जब आपकी पॉलिसी चल रही है आपके अकाउंट में कैश वैल्यू बिल्डअप होती रहेगी ओके अब एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है या होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें ऐसा एक टाइम आएगा कि जो आपकी सरेंडर वैल्यू है ना वो बहुत अच्छे से बिल्डअप हो चुकी है ठीक है बेसिकली कैश वैल्यू क्या है एक तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट है और नाउ दिस इन्वेस्टमेंट पोर्शन विल बी एबल टू पे प्रीमियम फॉर यू आपको अलग से प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है इसी सेविंग में से ही प्रीमियम आपकी जाती रहेगी ठीक है क्योंकि ये कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो, हो रहा है ऐसा नहीं है कि किसी लॉकर में पड़ा कही कहीं हो रहा है। वो की से कैश वैल्यू तो या सरेंडर वैल्यू बिल्डअप हो चुकी है ना दैट इज सेल्फ सफिशियंट टू पे प्रीमियम फॉर यू तो आपको फिर प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है वो अपने आप उसी अकाउंट में से प्रीमियम निकलता रहेगा उसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड टर्म इंश्योरेंस आपका जो सेल्फ सस्टेनिंग हो चुकी है पॉलिसी ऑटोमेटिक प्रीमियम लोन क्या होता है बेसिकली ये ज्यादातर होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर क्लॉज होता है इसमें क्या हो गया जैसे पॉलिसी होल्डर ने हर साल प्रीमियम पे करनी है अब किसी साल एक पॉलिसी होल्डर अपनी प्रीमियम पे करना भूल गया ठीक है तो उसमें क्या होगा जो उसकी कैश वैल्यू एक्यूमुलेट हुई है ठीक है कैश वैल्यू का कंसेप्ट इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी तक उसकी कैश वैल्यू एक्यूमुलेट हुई है ऑटोमेटिकली इस कैश वैल्यू में से एज अ लोन वो प्रीमियम भर दी जाएगी और फिर ओनर को बोला जाएगा कि जी इतने का आप पे लोन चढ़ गया क्योंकि इस कैश वैल्यू में से हमने आपका प्रीमियम भर दिया तो आप इसको रिचार्ज कर दो ठीक है कन्वर्जन ऑप्शन कन्वर्जन ऑप्शन क्या होता है बेसिकली जिसके अंदर आप, आप आपके पास कोई टर्म पॉलिसी है टर्म पॉलिसी क्या होता है पांच साल की पॉलिसी दस साल की पॉलिसी पंद्रह साल की पॉलिसी उसको कन्वर्ट कर सकते हो होल लाइफ पॉलिसी या एंडोमेंट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ओके okay? और जब आप इसको फॉर एग्जाम्पल आपने एक टर्म पॉलिसी ले रखी है पाँच साल की पॉलिसी ले रखी है हेल्थ की अब आप चाहते हो कि नहीं यार मैं ना इसको पाँच साल की जगह मैं इसको लाइफ का कर दूं ठीक है तो जब आपने पाँच साल की ली थी ना तब आपका हेल्थ चेकअप वगैरह हुआ होगा सब मेडिकल वगैरह हुआ होगा ठीक है तब तो आपका सब मेडिकल हुआ था अब आपको लगा कि नहीं मैं इसको लाइफ में कर देता हूँ थोड़े टाइम बाद तो आप इसको लाइफ में करने जा रहे हो तो क्या आपको दोबारा से सारा टेस्ट करना पड़ेगा सारे एविडेंसेज दोबारा होंगे तो उसमें कन्वर्जन ऑप्शन अगर आपकी पॉलिसी में था उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी जो पॉलिसी निकाली होगी टर्म उसके अंदर लिखा होना चाहिए कि कन्वर्जन ऑप्शन है तो उसमें फिर आपको एविडेंस देने की जरूरत नहीं है दोबारा मेडिकल चेकअप्स कराने की जरूरत नहीं है ये बेसिकली uh, पता है कहां हेल्प करता है जैसे किसी ने आज हेल्थ चेकअप कराया अपना और उसने टर्म पॉलिसी uh, ले ली पांच साल की उस टाइम पे उसको कोई डिजीज नहीं था ठीक है थोड़े टाइम बाद उसको छह महीने बाद पता चला कि यार मेरे को कैंसर है ठीक है तो अल्टीमेटली अब वो क्या कहता है कि यार मैंने इसको पता नहीं कितने टाइम बाद पॉलिसी की जरूरत पड़े पांच साल बाद दस साल बाद तो अल्टीमेटली मैं इसको होल लाइफ में करा लेता हूं क्योंकि अगर मैं नई पॉलिसी लेने जाऊंगा होल लाइफ की तो वो मेरे को मेरे सारे हेल्थ चेकअप्स कराएंगे उसमें कैंसर निकल आएगा तो दो चीजें होंगी या तो इंश्योरेंस कंपनी मना कर देगी इंश्योरेंस करने से या बहुत हाई प्रीमियम चार्ज करेगी तो ऐसे केस में भी हेल्प करता है जहां पर आपकी हेल्थ डिटीरियोरेट हो गई है वहां पर भी ये कन्वर्जन ऑप्शन हेल्प करता है क्योंकि यहाँ पर आपको दोबारा से एविडेंस देने की जरूरत नहीं है बट इसके अंदर ना जो पॉलिसी होगी ना उसमें एक में भी कितना हेल्प करेंगे तो तो जरूर देखो कि कन्वर्जन ऑप्शन है या नहीं और उसमें ना टाइम पीरियड भी होता है कि आप छह महीने के अंदर कन्वर्जन ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो या एक साल के अंदर ओके दूसरा इसका फायदा क्या होता है जैसे जो होल लाइफ पॉलिसी है हो सकता है कि उसकी प्रीमियम थोड़ी ज्यादा हो और आपके करंट इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी हो कि आप हाइयर प्रीमियम नहीं पे कर सकते ओके okay, सो so उस टाइम पर आप टर्म प्लान ले लेते हो बट फ्यूचर में आपको लगता है नहीं दैट यू आर नाउ सफिशियंट टू पे फॉर द होल लाइफ पॉलिसी ऑल्सो तो फिर आप उसको उसमें कन्वर्ट करा लेते हो कन्वर्ट कर लेते हो एंड यू कैन पे द प्रीमियम ओके सो एक तरह से फ्लेक्सीबिलिटी एक पर्सन के अंदर आ जाती है कन्वर्जन ऑप्शन में नेक्स्ट इज लॉयल्टी एडिशन लॉयल्टी एडिशन जो है ये मेनली uh, जैसे uh, आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली कोई टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ली ओके नाउ आफ्टर सम टेकिंग पॉलिसी के कुछ साल बाद डेथ हो गई इंश्योर uh, की या फिर बहुत सारे ईयर्स निकल गए हैं पॉलिसी को या मेच्योर हो गई है पॉलिसी ओके ओके उस केस में कुछ लॉयल्टी एडिशन उसके अंदर दिए जाते हैं ओके okay, uh, कि कंपनी ने अगर अच्छा परफॉर्म किया है तो वो थोड़ा सा उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा रिटर्न बेसिकली दे देगा तो उसको लॉयल्टी एडिशन बोलते हैं नेक्स्ट इज रिटर्न ऑफ प्रीमियम रिटर्न ऑफ प्रीमियम ये बेसिकली होल लाइफ या परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए नहीं होती क्योंकि वो तो आपको जब तक आप देर इज नो डेथ तब तक के लिए कवर करती हैं ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस में होता है तो बेसिकली अगर आपका टर्म खत्म हो गया आपका दस साल की पॉलिसी थी या बीस साल की पॉलिसी थी या तीस साल की पॉलिसी थी और आपने इन सालों में कोई क्लेम ही नहीं फाइल किया या बहुत छोटा क्लेम फाइल किया तो उस केस में जितना आपने प्रीमियम भरा होता है ना पॉलिसी का वो सारे का सारा प्रीमियम आपको मिल जाता है तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि जो रिटर्न ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन होता है वो किस केस में होता है तो आप कहोगे कि वो सिर्फ टर्म लाइफ इंश्योरेंस में होता है होल लाइफ या परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस के अंदर वो नहीं होगा ओके सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्री बेनिफिट्स जिनके मतलब आपको समझने थे होप आपको समझ में आए होंगे मजा आया होगा कोई भी डाउट होता है ना तो टेलीग्राम का देखो मैंने कितने मल्टीपल कॉन्टैक्ट आपको दिए हुए मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है ठीक है ये रहा देखो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है मैंने आपको ईमेल आईडी दी हुई है मैंने आपको बोला चैनल पे कमेंट करके पूछ लो मैंने आपको बोला कि टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से बात कर लो चार सोर्सेज है आपके पास कहीं से भी आप बात करें ठीक है बट शाम को साढ़े सात बजे के बाद अगर आप मुझे मैसेज करोगे तो जवाब अगले दिन आएगा ठीक है मैं जल्दी सोता हूँ और जल्दी उठने वाला आदमी हूँ तो बहुत ज़्यादा लेट साढ़े सात बजे के बाद मैं कॉल्स वगैरह नहीं ले पाता हूँ यार ओके तो उससे उसमें भी आप मुझे व्हाट्सएप करके छोड़ सकते हो तो मैं अगले दिन आपके साथ कनेक्ट कर लूंगा ओके पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में चैनल को सब्सक्राइब करना है और आग लगानी है बस ओके टेक केयर